जैसे कि वसीम भाई आपने देखा कि यहाँ स्टिकर वगैरह लगाए गए हैं और डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखा गया है ताकि लोगों के दरमियान ये वायरस फैल नहीं सके। अगर कोई नमाजी ऐसा आता है कि जिसको वायरस हो और वो यहाँ नमाज़ अदा करता है तो ऐसा ना हो कि किसी दूसरे को भी वायरस लगे, इसलिए हमने इसका ख़ास ख्याल रखा है और जो हमने स्टिकर हैं वो लगा दिए हैं और काफ़ी डिस्टेंस है। यानी एक हमारे भाई जैसे यहाँ एक सफ़ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी सफ़ उसे काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है ताकि वायरस से महफूज रह सके। और जो गेट पे एंट्री गेट है वहाँ पे भी देखा गया है जैसा कि थर्मल स्क्रीनिंग चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये एक एहतियात का तकाजा है, हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि हम भी इससे महफूज रहें, आप भी इससे महफूज रहें। और एहतियात का तकाजा ये है कि हमने हाउस भी खाली करा दी है जिसके अंदर लोग वुजू करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई कोरोना वायरस का शिकार इसके अंदर वुजू करे आनकर, कोई ऐसा उसका मतलब जिसको ये बीमारी लाही हो और वो इसके अंदर आनकर वुजू करे और फिर उसके ज़रिए से कई लोग मतलब इस मरस के अंदर मुब्तला हो जाएं, इसलिए हमने हाउस को बिल्कुल ही खाली करा दिया है। और जामा मस्जिद से हम बराबर यही ऐलान कर रहे हैं कि अपने घरों से ना वुजू कर आएं और अपने जानमाज़ साथ लेकर आएं और साथ लेकर जाएं, यहाँ से यहाँ पर ना वुजू करें और ना यहाँ सफ़े बिछाई गई हैं इसी वजह से, और ताकि लोग अपने मुसल्लिस जो साथ लेकर आएँ उसके ऊपर नमाज अदा करें। और आइंदा यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होगी या? देखिए अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, 9 से 5 लॉकडाउन का टाइम रहता है रात के 9 से सुबह 5 तक, तो इसके अंदर हमारी 2 नमाज़ें आ रही हैं, एक तो नमाज ईशा और दूसरी नमाज फजर। तो इसलिए लोगों के लिए जुहर असर मगरिब ये 3 टाइम ऐसे हैं कि जो लोगों के लिए मस्जिद खुली रहेगी, लेकिन ईशा की नमाज़ और फजर की नमाज़ क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आ रही है तो उस टाइम मस्जिद बंद रहेगी। जो अंदर का स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज ईशा और नमाज फजर अदा करेगा। और दूसरी तरह जैसे हमने देखा जुहर की नमाज़ हुई उसके बाद आपने नमाज जनाजा पढ़ाई गाइबाना, तो वो किन लोगों के लिए नमाज पढ़ी? देखिए ये गाइबाना नमाज जनाजा थी, ये उन लोगों के लिए थी कि जो इस वायरस के अंदर इस दुनिया से चले गए हैं और जिनकी डेथ हो गई है, तो उन लोगों के लिए ये गाइबाना नमाज जनाजा थी। लोगों ने दुआ की और उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मगफ़रत की दुआ की और पूरे आलम के लिए दुआ की कि अल्लाह इस मोहलिक बीमारी से पूरी दुनिया को महफूज फरमाए। आप क्या मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं यहाँ मुफ्ती हूँ, यानी जो फतावा वगैरह आते हैं और मैं यहाँ तफसीर वगैरह बयान करता हूँ, मैं मुफस्सिर कुरान हूँ यहाँ। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग डिस्टेंस बना कर रहें और लोगों से मिलें, क्योंकि मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन यह है कि डिस्टेंस बना कर मिलें और मास्क का ख़ास तौर से ध्यान रखें और अपने हाथों को वक्तन फवक्तन सैनिटाइज़र करते रहें और बस यह है कि एहतियात करें, क्योंकि एहतियात में ही हयात है, ज़िंदगी है। हम जितनी एहतियात रखेंगे इंशाल्लाह इतनी इस बीमारी से बचते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहलिक बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा दे और जो ज़िंदगी थी उसके ऊपर मामूलात उस ज़िंदगी को मामूलात के ऊपर गामज़न फरमा दे। बहुत बहुत शुक्रिया।